100 में इतने हैवी सूट यार कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो हमने इसी शॉप से लिए थे ना इयररिंग्स, अभी हम इसी को आए चेंज करवाने के लिए। ये सारी ट्रेंडिंग बालियां सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में मिल रही हैं और कुछ भी प्राइस कम करने को नहीं मान रहे। ये बूढ़ी अम्मा यहाँ एक्सरसाइज कर रही है। आंटी जाओ, आंटी आंटी जाओ। 2000 वाले इयररिंग सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में मिल रहे हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। यार इतना सस्ता कहीं पे भी नहीं मिलता होगा और ये भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में, वो भी इतना ट्रेंडिंग, और ये इयररिंग सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफ्ता फैमिली व्लॉग्स। मैं हूँ इकरा। तो कैसे हो आप सब? सो अभी मैं अप्पी, जीजू और इन्नू जा रहे हैं सिलमपुर मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए। आज मैं फाइनली ईद के कपड़े खरीद के लेके ही आऊँगी, कुछ भी हो जाए पसंद करनी ही है। और अप्पी को भी बहुत सारा सामान लेके आना है अपना, और मुझे भी। और वो जो इयररिंग्स थे मुझे वो चेंज करवा के भी आने हैं जो मुझे डैमेज मिले थे। और अभी हम निकल चुके हैं, जल्दी से ना मार्केट में ही मैं आप सबको मिलूंगी, ठीक है? मार्केट में आ गए थे लहंगे वाले भैया की शॉप के बाहर ही, उन्होंने एक स्टॉल लगा रहा था सूट वाले भैया ने, जो 200 और 300 में सूट दे रहे थे और काफ़ी अच्छा था, हैवी भी था और सिंपल में भी था। और आगे चलते ही यहाँ पे 150 रुपीज़ में लिपस्टिक मिल रही थी, मैट लिपस्टिक, तो आप भी देखने लगी थी। तो हमने इसी शॉप से लिए थे ना इयररिंग्स, अभी हम इसी को आए चेंज करवाने के लिए। भैया की स्टॉल का मैं पहले भी आप सबको वीडियो दिखा चुकी हूँ, बट अब मैं आपको सही से अच्छे से दिखाना चाहती थी। यहाँ पे 100, 200, 160, 70, 60 में आपको आराम से यहाँ पे झुमकी मिल जाएंगी। जैसे पैसे दोगे वैसा ही मिलेगा और क्वालिटी तो सबकी अच्छी होती है। बस इसको ना यहाँ पे चिपका दो इसको सही से। भैया यहाँ पे टीके का स्टोन लगा रहे थे जो निकला था, मैंने भैया को बोला जाके, मुझे लगा भैया बोलेंगे लड़ेंगे जैसा होता है ना, ऐसे कुछ नहीं हो, भैया ने प्यार से लगा दिया। सो यहाँ हमारा स्टोन इस पर चिपक चुका है, हमारे बुंदे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम आगे, भैया ने बिना लड़ाई झगड़े के एकदम ठीक करके दे दिया। तो अब आपी को ना आप और खुश दिलाते हैं, पहले आपी का आपी की शॉपिंग पूरी कराते हैं, फिर हम करेंगे अपनी बच्ची कुची। अंकल इसमें था ना वो जो राउंड सर्कल वाला था। तो यहाँ पे मैं अपना क्लैशर वगैरह देख रही थी, भाभी ने मेरे को बोला था लाने के लिए 50 रुपीज़ में। तो अंकल को मैंने बोला कि कुछ और भी डिज़ाइन दिखाओ, बट अंकल के पास सारे डिज़ाइन ना ख़त्म हो चुके थे। ये लेना है भाभी के लिए, भाभी ने बोला था ना। यहाँ मैंने क्लैशर ले लिया था, मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, आपको पता है बस 2 दिन तो ईद के बचे ही, और मेरा फेस देख के आपको पता लग जाएगा कि कितनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। उसके बाद अम्मी ने बोला था इन्नू को कुछ दिलाने के लिए, तो इन्नू की पसंद का हम उसके लिए हेयर बैंड ले रहे थे, वो बहुत खुश थी। आटा तो प्लेन चीज बन गई। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। किनायत ने ना बहुत देर लगाई अपना हेयर बैंड सेलेक्ट करने में, आपको पता है बच्ची है तो वो देखती रहती कभी कोई से कभी कोई से। मैं बोल रही हूँ बाबू जो तेरा दिल करे ना वो बता दे, पर उसने तो इतना देर लगाया, आधी क्लिप तो मैंने लगाई नहीं, इतनी लॉन्ग हो गई थी। उसको बोलते बोलते समझाते समझाते बाबू ये ले ले वो ले ले, एक ही तो हमारे घर में अल्लाह ने इतना प्यारा बच्चा दिया, अब उसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो यार किसकी करेंगे, आप ही बताओ। तो गाइस यहाँ पे इनायत फैल चुकी है कि खिलौने दिलाओ खिलौने दिलाओ, तभी शॉपिंग करने दूंगी अदरवाइज नहीं करने दूंगी। तो इसकी जिद को पूरा करते हुए हम आ गए यहाँ पे इसके लिए कुछ लेने के लिए। क्या लोगी बताओ? ये हर बच्चे का होता है, अगर उन्हें कहीं टॉयस दिख गए अगर नहीं दिलाया और देख लिया तो भाई फैल जाते हैं। मैं इन्नू बोलती है मैं शॉपिंग करने नहीं दूंगी अगर तुम मुझे खिलौने नहीं दिलाओगे। इन्नू के पास सब कुछ था, हमने बोला फिर भी चल तू ले ले, पर मैडम जी को हमारी कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, इधर से उधर नजरें चल रही है, बट इन्नू ने कोई भी टॉयस नहीं लिए। बड़ा मेरा बच्चा समझदार हो गया। तो अभी थोड़ा बहुत अंदर से बाहर आए, इतना ज़्यादा थक गए तो शिकंजी पीने के लिए आए हैं हम सब। इन्नू के मजा आ गया, पता है इन्नू जब भी लेकर ना थक जाते, मैंने मना किया था, फिर टप्पी कहने लगी चलो फिर उसके भी। अब इसको ना अपने खिलौनों के लिए बहुत रो रही थी, तो मैंने कहा था इसे कुछ पिला दे पहले, इसका दिमाग ठंडा करता है। ये वो ही सब कुछ है जो आपने अभी मेरे रिसेंट ईद के व्लॉग में मतलब शॉपिंग व्लॉग में देखा है, वही सब है। और कुछ भी प्राइस कम करने को नहीं मान रहा, मेरा दिल भी नहीं कर रहा है इनमें से कुछ भी लेने का, सोच रहे थोड़ा आगे जाके देंगे तो क्या पता थोड़ा अच्छा मिल जाए। ये बूढ़ी अम्मा यहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं, हज जो इन्हों ने तो झूल दिया, बट अम्मा झूल रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। और यहाँ पे ना पार्क में बहुत होते हैं। चलो आइसक्रीम खाओ तुम जल्दी, देख मैंने कहा था ना वो बच्ची लाइन में लगी है, तू हटेगी वो झूलेगी, कमर बोल गई इस पे जा। उसका देख उसका जोश देख, देखा आंटी जाओ आंटी आंटी जाओ आंटी है ना वो आंटी जाओ। मैं अंकल हूँ क्या? हाँ ये अंकल है, देखो ये अंकल है, लो इन्नू झूलो
इन्नू इधर पैर रखो। वो डर के उड़ गए। चलो इनायत बनाओ बॉडी। 1 2 3 4 5 ठीक है। और यहाँ हैवी शॉपिंग मेरी केयर करते हुए और भाई मज़ा बहुत आ रहा था। जो आते हम सब ने इतना इन्जॉय करा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग शॉपिंग करने आए हुए। हम तो ऐसे पार्क में खो गए, इतना मस्ती मजाक करने में लगे। सच में मुझे फील ही नहीं हो कि यार हम शॉपिंग करना है, बट फिर भी मैं बार बार बोल रही थी कि चलो चलो। यहाँ आ गए तो ये सारे ऐसे हो गए जैसे आज तक कभी कुछ कर रही ना हो। जान तो हम में हो तभी तो हम भी करेंगे। मैं खुद ही कुछ नीचे जा रहा हूँ। हम इस पार्क ओए होए, अरे लग गई उसके। खड़ो 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 खड़ो। कहाँ किसका बच्चा है ये? इसके लग गया पैर। कहाँ? इसके मुंह पे कहीं पे। बेटा आराम से झूला करो, ये सामने से आ रहा था। चल कोई बात नहीं, खून नहीं निकला, बच गया। अभी जाती बहुत तेज लगता है ये, उसके पैर मुंह पे लग जाता ना तो उसका ही काम। हाँ मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला लग रहा है जिसपे जीजू झूला रहे थे ना, मेरी हवा निकल रही थी। यहाँ पे बकरे अभी आए हैं थोड़ा पार्क में घूमने फिरने के लिए आए, और इन्नू जाने का नाम इन्हें ले रही। मैं बोल रहा हूँ बाबू टाइम होता जा रहा है, चलो बट जाना नहीं है। इन्नू चलना नहीं है कपड़े खरीदने? नहीं भाई, इन्नू को यह दिखा ना नहीं जाएगी। उसके बाद आपी और जीजू चले गए थे मुझे दिनायत को पार्क में छोड़ने के लिए। आपी अपने लिए कुछ लेने के लिए गई थी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, मतलब इयर रिंग्स वगैरह का और हेयर्स वगैरह के लिए सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा था। तो मैं भी शॉपिंग नहीं, ये से 2-3 चीज़ अपने लिए ली है, और काफ़ी सस्ता सस्ता मिल रहा था, वही 50, 60, 100 इतना तो यार सब जगह ही मिलता है, अब इससे कम कहीं पे भी नहीं मिलता है। आप भी जानते हो उस चीज़ को। ये सारे जितने इयर रिंग्स लगे हुए हैं ना, ये सारे 100 रुपीज़ में थे शायद से, और ये जो ये है ये 50 रुपीज़ का है, जो ये मैं शॉपिंग ने लिया एक। और इसमें ना अगर ये डायमंड लगा हुआ होता ना तो काफ़ी अच्छा लगता, काफ़ी सारे थे ये सारे 50 रुपीज़ में मिल रहे थे, तो मैं भी शॉपिंग ने इसमें से एक ले लिया। और आप सबको आगे दिख जाएगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। और मैं भी शॉपिंग ने ये भी लिया है यहाँ शायद से, और ये शायद से 50 रुपीज़ का ये भी है, और इसमें बहुत सारे कलेक्शन थे, अच्छे अच्छे न्यू डिज़ाइन था, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रहे हैं। और ये था यहाँ पे इयर रिंग्स, मे भी ये 150 के थे, और ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ना, बट मैं भी शॉपिंग ने ये नहीं लिए, मैं वहाँ नहीं थी, अगर मैं होता ना तो मैं पक्का ले लेता। उसके बाद भाभी के लिए यहाँ मैंने प्लाजो लिया, उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था वाइट कलर का प्लाजो लेना था जो अम्मी के लिए लिया था। और फिर यहाँ पे हम घर के लिए निकल चुके थे, इनायत सो गई थी। यार ये मासूम बच्चा हमारा बहुत प्यारा है, और हम इससे ना सच में बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं। सो हम लोग घर आ चुके, काफ़ी देर हो गई हमें घर पे आए हुए, और इन्नू सो गई थी, उठ गई, इसको नहलाया धुलाया, उसको गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि हम वहाँ से क्या क्या लेके आए। सो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं और क्या क्या हमें मिला है। सबसे पहले मैं हैवी शॉपिंग अपने लिए 2 ये लेके आई है, नहीं 3 है ये, या पे अपने यूज़ के लिए लेगी, रोटी वगैरह के लिए भी बहुत यूज़ आता है। कितने का मिला आपकी है? 10 का 1 30 के 3 मिले हैं। और मैं भी शॉप पे एक ये लेके आई है, छोटू सा क्लेचर हमारे उसके लिए हेयर स्टाइल के लिए लेके आई है, इस पर बटरफ्लाई बनी, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, एकदम क्यूट सा, आप देख सकते हो, बहुत एकदम स्टाइलिश है, 50 रुपीज़ में। अगर इसकी बटरफ्लाई पे भी अगर यहाँ पे कुछ नग लगे होते हैं ना यहाँ पे बीच में, तो ये और प्यारा लगता है। ठीक है, ये लेके आई है अपने हेयर स्टाइल के लिए, मैं भी शॉप ही काफ़ी चलता है, मैंने आपको अपने रिसेंट ब्लॉग में भी दिखाया, आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा। ये कितने का मिला? 50 रुपये। ये भी 50 का मिला है, ये छोटू सा भी आपने मेरा लगा के भी ट्राई किया था, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मे भी आपको दिख रहा होगा, या फिर मैंने उल्टा लगा दिया, मुझे भी नहीं पता कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना। अभी तो हमारी पूरी शॉपिंग फिर से नहीं हुई है, ये वाला व्लॉग फिर से बिना शॉपिंग वाला अधूरा व्लॉग है, अभी हमें शॉपिंग दोबारा करनी है। अभी इस टाइम हम इनायत के साथ गए थे ना, इसलिए कुछ नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब 2 दिन बचे ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, और अब जो जाएंगे हम, इन्नू नहीं जाएगी हमारे साथ, तो हम जब जाके फिर पूरी अपनी पूरी शॉपिंग करके लेके आएंगे इंशाल्लाह। और एक मैं इन्नू के लिए हमने यहाँ पे हेयर बैंड लिया है, जो इन्नू की ही पसंद का है, काफ़ी इसने नोक झोंक करके ये लिया है, इन्नू ने ये लिया है बिल्कुल क्वीन वाला, जो हमारी ताज ही हमारी क्वीन लगाती है, ये 100 रुपये का मिला है। इन्नू का दिल था, मैंने भी ले लिया, बन के चल बच्चे की पसंद से, अब मैं इससे कुछ नया लुक कर लूँगी वीडियोज़ के लिए ही, तो 100 रुपीज़ में ये मिला था। ठीक है,
और यहाँ पे एक ये भाभी ने बोला था लाने के लिए कि कहना मुझे ला के दे दियो। ये क्लेचर ये मिला था 50 रुपये का, ये आपने मेरे ब्लॉग में देखा। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा ना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। 50 रुपये में मिला है और इस पर पर्ल्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत प्यारा है। और हमने उसके बाद कुछ नहीं लिया, बस खाया पिया है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। मेरे फिर से ये छुट गया, भैया क्या कहते हैं छूटेगा नहीं, और ये छूट गया। तू रख ले इसको, तू किसी चीज़ से चिपका। भैया बोल रहे थे कि भैया ने इसको चिपका दिया था, पर उन्होंने गीला गीला रख दिया था, तो ये तो पूरा चिपक चुका है। ये रहा, ये पूरा चिपक गया, बट इसका फिर से छूट गया यार, ये देखो फिर से छूट गया। चलो अब मुझे ये होना कि ये मुझे मिल गया, मैं इसको यहाँ पे अब खुद की एल्फी से चिपकाऊंगा, जब तो वैसे ही ग्लू से चिपकाया था, मैं इसको एल्फी से चिपका दूंगा। तो चलो ये भी हमारा अल्लाह का शुक्र है, ये वाला काम भी पूरा हुआ। अब इसके बाद फिर से एक और सलमपुर का इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। बस हमने इतना ही कुछ लिया है आज, क्योंकि इन्नू थी गए थे नियत करके कि कपड़े लेके ही आएंगे, और बस इन्नू की वजह से यार रह गया बच्चा, यार बच्चा आपको पता है कैसा करता है। बट अब हम दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह, तब तो मैं पक्का ये कपड़े ले ही लूँगी। सो अभी चलो घर पर मिलेंगे। सो यस गाइस, मैं यार सो गई थी रात आके ना, मतलब क्या सोया क्या, मैंने आके एडिटिंग करी, फिर मैंने कहा चलो यार अब ना कल ही करेंगे, दो तो बजी गए थे मुझे एडिटिंग करते करते, तो इसलिए फिर मैं ना सो गई। मैंने कहा चलो अपना व्लॉग कल ही एंड करेंगे। और यस चलो यार, आज बस ईद के कपड़े अब भी नहीं आ पाए मेरे, अब मैं अभी दोबारा से ईद की शॉपिंग के लिए अब मैं सोच रही हूँ कि यार क्या करूँ, कपड़ों का कहाँ से लेके आऊँ। तो मैं सोची कि दूसरी मार्केट जाऊँ, कैसे करूँ, जो भी होगा वो आपको मेरे पता चल जाएगा। बट हाँ, इस बार ईद के कपड़े मुझे बनाने ही बनाने हैं, बट देखो अल्लाह मालिक है, कोशिश मैं पूरी पूरी कर रही हूँ। यस गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया था, लाइक कर देना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें तो आपको मैं पक्का बता ही दूंगी कि मेरे कपड़े क्या हैं, जब तक मैं बहुत ज़्यादा घूम लूँगी। और यस, अब ईद के व्लॉग्स भी बहुत जल्दी कंटिन्यू आने वाले हैं, 3 दिन के व्लॉग बहुत जल्दी आएंगे, और गेट रेडी विद मी भी इंशाल्लाह 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 जरूर आएंगे। सो यस चलो कल मिलेंगे, बाय, लव यू ऑल, लव यू। काम खत्म हो गया।